नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम हेमरेज यानी पीपीएच के बारे में। ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है। पोस्टमार्टम हेमरेज रेफर्स टू एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी अप टू द एंड ऑफ परप्यूरियम, यानी जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर या वहाँ से होने वाली कोई ब्लीडिंग जो डिलीवरी के बाद होती है और एंड ऑफ परप्यूरियम तक चलती है, चल जा भी सकती है, उतनी दूर एक्सटेंड भी कर सकती है या पहले भी ख़त्म हो सकती है। अभी हम उसके टाइप्स देखेंगे आगे, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमरेज कहा जाता है। इन जनरल अगर देखा जाए तो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग मोर देन 500 ml, जब 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज के नाम से जाना जाता है। अब आप जानते हो डिलीवरी के टाइम पर मेज़र करना तो आसान है नहीं कि 500 ml कैसे मेज़र किया जाएगा। तो एक और डेफिनेशन इसकी आती है कि इतनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी कॉज कर दे फीमेल में, उसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज और एक सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच जो होता है वो 24 घंटे के अंदर होता है, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको प्राइमरी पीपीएच के नाम से जाना जाता है। अगर वही ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स एंड विद इन 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी यानी 24 घंटे के बाद और 6 हफ्ते के अंदर हो, तो उसको सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज के नाम से जाना जाता है। तो ये दो टाइप्स हैं, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज की। तो इसके कॉजेज में आते हैं प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच, दो टाइप थे। तो प्राइमरी पीपीएच के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एटोनिक यूट्रस, यूट्रस का टोन ना हो, कोई ट्रॉमा, या मिक्स्ड, दोनों एटोनिक यूट्रस और ट्रॉमा दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको मिक्स्ड में लिया जाएगा। रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, अगर वहाँ पर कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो रुक गया है, रिटेन्ड है, तो यूटराइन रप्चर की वजह से, यूटराइन इन्वर्जन की वजह से, या कोई ब्लड कोएगुलोपैथी हो, ब्लड के कोएगुलेशन में कोई डिसऑर्डर हो, पैथोलॉजी हो, तो भी प्राइमरी पीपीएच अगर होता है। बात करें अगर सेकेंडरी पीपीएच के कॉजेज की, तो उसमें क्या हो सकता है? रिटेन्ड बिट्स ऑफ कॉटिलडॉन्स और मेम्ब्रेन्स, कोई इन्फेक्शन, सर्वाइकोवेजाइनल लेसरेशन, एंडोमेट्राइटिस, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटल साइट, सेकेंडरी हेमरेज फ्रॉम सीजेरियन सेक्शन, सीजेरियन सेक्शन की वजह से भी सेकेंडरी हेमरेज होता है। अदर कॉजेज में प्लेसेंटल पॉलिप, फाइब्रॉइड पॉलिप, परप्यूरियल इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ये सारे कॉजेज होते हैं सेकेंडरी पीपीएच के। इनके कॉजेज याद करने के लिए एक 4 T's निमोनिक आता है, जिसमें पहला मेन कॉज था टोन, एटोनिक यूट्रस, कोई ट्रॉमा जैसे कि लेसरेशन, हेमेटोमा, टिश्यू, रिटेन टिश्यू अगर वहाँ पर है, या थ्रोम्बिन, 1% केसेस में कोगुलोपैथी से भी प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच होता है। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि कौन लोग रिस्क जोन में होते हैं, तो अगर प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हो रहा है तो रिस्क फैक्टर है मल्टीपल डिलीवरी, एपिजियोटोमी अगर दी जा रही है तो भी, फीटल मैक्रोसोमिया हो तो, हिस्ट्री ऑफ पीपीएच अगर पहले भी पीपीएच हो चुका है तो भी चांसेस होते हैं पीपीएच होने के, ग्रैंड मल्टीपैरिटी अगर चौथे बच्चे से ज़्यादा या पांचवे बच्चे से ज़्यादा पैरिटी हो गई है उसके बाद भी डिलीवरी हो रही है तो उसमें भी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में, प्लेसेंटल एब्रेशन के केसेस में, पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो, या कोई इन्फेक्शन हो तो भी पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज होने की संभावना बनी होती है। हम बात करें अगर इसके सिम्टम्स की, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें मैसिव ब्लड लॉस होता है, मोर देन 500 ml हो तो ये इसको पीपीएच के उसमें जोन में रखा जाता है। पासिंग लार्ज क्लॉट्स, डिजीनेस, लाइट हेडनेस और फैटीग, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हर्ट रेट, स्वेलिंग एंड पेन इन टिश्यूज़ इन द वेजाइनल एंड पेरिनियल एरिया, और एनीमिया के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखें इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, पीपीएच का प्रिवेंशन कैसे है। एंटीनेटल जोन में जब हो तो हम कैसे कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट द हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करके, हाई रिस्क पेशेंट्स को रूल आउट करके, ब्लड ग्रुपिंग का ध्यान रख के। फिर इंट्रानेटल में हम कैसे कर सकते हैं? स्लो डिलीवरी ऑफ बेबी, एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया जो दिया जाए उसके लिए किसी एक्सपर्ट की होती है, वहाँ पे नीड होती है, स्पॉन्टेनियस सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग सीजेरियन सेक्शन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इंट्रानेटल और एंटीनेटल प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज क्या है, यानी अगर पीपीएच अकर हो गया है तो हमें क्या करना है उस समय। रब अप द यूट्रस टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, यूट्रस की रबिंग करनी है ताकि कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो वहाँ पर।
एर्गोमेट्रीन इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं या सिंटोमेट्रीन इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं अगर एर्गोमेट्रीन ना मिले तो। एक्सपेल द प्लेसेंटा विद द नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय फंडल प्रेशर और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, यानी फंडल प्रेशर अप्लाई करके और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करके हम प्लेसेंटा को एक्सपेल कर सकते हैं और इस तरीके से पीपीएस से बचा जा सकता है। एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर बाय कैथेटराइजेशन, कैथेटर लगाकर यूरिनरी ब्लैडर की वॉइडिंग करा दी जाए, उसको एम्प्टी करा दिया जाए तो भी ये एक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर इससे फ़ायदा ना हो तो एक सेकेंड डोज ऑफ सिंटोमेट्रीन या एर्गोमेट्रीन जो ऊपर दिया गया था उसको फिर से दिया जा सकता है 10 मिनट्स के अंदर अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई है तो। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएच। पहले हम टोन का ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मसल टोन ही है। तो टोन मेंटेन करने के लिए हम यूटेराइन मसाज कर सकते हैं। अगर यूट्रस सॉफ्ट हो तो मसाज परफॉर्म किया जाता है बाय प्लेसिंग वन हैंड इन द वजाइना एंड पुशिंग अगेंस्ट द बॉडी ऑफ द यूट्रस व्हाइल द अदर हैंड कंप्रेसेस द फंडस फ्रॉम अबव थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। इस इमेज में आप देख सकते हो कि इस प्रोसेस को किया जा रहा है, ऊपर से अप्लाई किया जा रहा है फोर्स और ये एक हैंड वजाइना के थ्रू यूट्रस के पास तक पहुँचाया गया है। टोन मेंटेन करने के लिए यूट्रोटोनिक एजेंट्स दिए जा सकते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, मीथर्जीन, एर्गोमेट्रीन, इनको दिया जा सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिंस दिए जा सकते हैं जैसे कि कार्बोप्रोस्ट, मीजोप्रिस्टोल, ये सारे भी प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं, इनको भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है पीपीएस से बचाव के लिए। अगर ट्रॉमा हुआ हो, ट्रॉमा की वजह से हो, लेसरेशन और हेमेटोमाज हो तो उनकी वजह से अगर पीपीएच हो रहा हो तो टाइमली रिपेयर और हेमोस्टेसिस मेंटेन कर उससे बचा जा सकता है। अगर यूट्राइन रप्चर हो तो सिम्प्टोमेट्रिक यूट्राइन रप्चर रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट, सर्जिकल रिपेयर कर दीजिए डिफेक्ट का या सीधा हिस्टेरेक्टोमी कर दीजिए, यूट्रस का ही रिमूवल कर दीजिए। यूट्राइन इन्वर्जन इज रेयर क्योंकि कोगुलोपैथीज की वजह से भी हो रहा था, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी पीपीएच हो रहा था तो यहाँ पर थ्रोम्बिन भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच क्या क्या है। ट्रांसवेजाइनल यूट्राइन पैकेजिंग करके कंजर्वेटिंग सर्जिकल अप्रोच क्या क्या होंगे, आप यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन परफॉर्म कर सकते हो, ओवेरियन आर्टरी का लाइगेशन, वजाइनल आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल इलियक लाइगेशन या फाइनली हिस्टेरेक्टोमी रिमूवल ऑफ यूट्रस किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि पीपीएच के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस की वजह से वो शॉक में जा सकती है लेडी, उसका डेथ हो सकता है, सेप्टिसीमिया अकर हो सकता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, एनीमिया से सफ़र करेगी क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा और फैटीग फील होगा उसको। एनीमिया के और जितने सिम्टम होते हैं पैलर, ये सारे सिम्टम्स वो भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो अब हम फाइनली देखते हैं कंक्लूजन क्या हुआ, इतना जो हमने ऊपर से अभी तक पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है। पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमरेज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मोर देन 500 ml ऑफ ब्लड आफ्टर डिलीवरी अकर्स इन अप टू 18% ऑफ बर्थ्स। 18% ऑफ बर्थ्स में ये देखा जाता है। अगर ब्लड लॉस 1000 ml से ज़्यादा हो जाए तो ये माना जाता है कि फिजियोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी कॉज करेगा उसमें, फीमेल में हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी कॉज करने के लिए 1000 ml ब्लड निकल जाए तो हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी उसमें हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ आज हमने देखा पीपीएच के बारे में, हमने इसके टाइप्स देखे, हमने इसका मैनेजमेंट देखा और प्रिवेंशन देखा हमने। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।